Hello students, good morning to all of you. In this class we will discuss to our second chapter of class 9th, is matter around us pure. In the previous class we have studied about the separation of components from a mixture. We studied so many techniques. The last point of the last video is simple distillation. We will study here to the second part of the distillation, that is known as frictional distillation. Okay students, in the simple distillation हमने जो पढ़ा था बच्चों, सिंपल डिस्टिलेशन में जो आपको बताया था, क्या बताया था, इसमें हमने बोला था कि टू मिसिबल लिक्विड्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस आपका 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा तो हम उसे सिंपल डिस्टिलेशन से करेंगे. ठीक है, यहां पर फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन में देखिए बच्चों क्या डिफरेंस है. फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन क्या है? फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन में देखिए आप, टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड्स फॉर विच डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस, द प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज्ड. ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर आपको बताया जा रहा है सेपरेट करने के लिए किसी भी मिक्सचर को जो हमारे मिसिबल लिक्विड्स के बने हुए हैं. ठीक है, जिनका जो डिफरेंस है वो हमारा लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस होगा मिसिबल लिक्विड के मिक्सचर का, तब हम जो प्रोसेस यूज करेंगे दैट इज नोन एज फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन. ओके स्टूडेंट्स, देखिए एग्जांपल देखिए, यहां पर एग्जांपल में सेपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम एल्कोहल एंड वाटर and water from its mixture. Okay students, ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है यहां पर the boiling point of alcohol is 78 degree Celsius and boiling point of water is 100 degree Celsius. What is the difference between them? It is less than 25 degree Celsius. Yes. ठीक है? Difference between boiling point is less than 25 degree Celsius. So we will use fractional distillation method for separating the components components of the given mixture okay students. ठीक है, तो सभी बच्चों को ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने यहां पर लिया सेपरेशन ऑफ एल्कोहल एंड वाटर लिया मैंने इसके मिक्सचर में से. एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आपका 78 डिग्री सेल्सियस है. ठीक है, वाटर का कितना है बच्चों बॉइलिंग पॉइंट? 100 डिग्री सेल्सियस है. डिफरेंस कितना है? लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस है. हाँ है ना, तो हम इसमें फ्रिक्शन डिस्टिलेशन मेथड को यूज करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये पता चल गया होगा कि इसमें हमें फ्रिक्शन डिस्टिलेशन मेथड कैसे यूज करते हैं. और बच्चों इसकी एप्लीकेशन क्या है? ठीक है, एप्लीकेशंस क्या है इसकी फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन की? देखिए फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है. फर्स्ट एप्लीकेशन में आप देखेंगे सेपरेशन ऑफ द पेट्रोलियम. किसका हम बता रहे हैं बच्चों? पेट्रोलियम ऑन फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन. पेट्रोलियम ऑन फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन गिव्स अस केरोसिन पेट्रोल गैस एक्सेट्रा. ओके स्टूडेंट्स, नंबर सेकेंड हम यहां पर देख रहे हैं
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर गिव्स अस क्या देता है बच्चों, ये आपको गिव्स अस कॉम्पोनेंट्स ऑफ एयर. ओके स्टूडेंट्स, तो ये इसकी एप्लीकेशन है, ये सभी बच्चों को ध्यान रखना है. और एक बात और ध्यान रखेंगे बच्चों, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन में जो भी हम किसी भी चीज का जो फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, लाइक इन पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम क्या है, बहुत सारे कॉम्पोनेंट से मिलकर बना है, ठीक है. जब हम इसका फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, जो इसके कॉम्पोनेंट्स हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे लो होता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट लो होगा इसका मतलब वोलेटाइल ज्यादा है, ठीक है, वोलेटाइल ज्यादा है. और जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो नॉन वोलेटाइल है. तो जिनका वोलेटाइल जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो वोलेटाइल मतलब क्या है कि इजिली इवोपरेट हो सकते हैं, क्या इजिली इवोपरेट हो सकते हैं, ठीक है बच्चों, तो वो हमारे अपर स्टेज पर आ जाएंगे, टॉप पर. और जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता जाएगा वो हमारे डाउन में आते जाएंगे, ठीक है. वैसे तो आपको इतना डीप में नहीं जाना है, बस आपको ध्यान रखना है फ्रिक्शन डिस्टिलेशन क्या था, आपको बताया मैंने आपके टू मिसिबल लिक्विड्स जिनका जो डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस होगा तो हमारा फ्रिक्शन डिस्टिलेशन में आएगा, ठीक है बच्चों. जैसे कि मैंने सेपरेशन ऑफ एल्कोहल एंड वाटर मिक्सचर का मैंने किया, एल्कोहल का 78 डिग्री सेल्सियस एंड वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस, यहां पर आपका लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस था, तो हमने इसमें यूज किया फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन. तो बच्चों सभी बच्चे नोट करें इसे, देखिए इसके एप्लीकेशंस भी सभी बच्चे ध्यान रखेंगे. एप्लीकेशंस में जैसे आपको मैंने बताया है, पेट्रोलियम ऑन फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन गिव्स अस केरोसिन, पेट्रोल, गैस एक्सेट्रा. फ्रिक्शन डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर गिव्स अस कंपोनेंट्स ऑफ एयर. तो बच्चों यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, डिफाइन फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, एंड राइट एनी वन एप्लीकेशन ऑफ द फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन. बच्चों टू भी आ सकती है आपकी, ठीक है. तो ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बार बार आपको गाइड कर रहे हैं कि आप सभी बच्चे एनसीईआरटी से भी रीड करेंगे, नोट करिए सभी बच्चे. देखिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर. तो बच्चों एयर आपको पता है एयर इज एन मिक्सचर ऑफ गैसेस. तो जो एयर के अंदर जो गैसेस मिक्स में है तो उनको सेपरेट करने के लिए हम किस तरीके से प्रोसेस को हम करते हैं, तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं. तो एयर के जो मिक्सर ऑफ गैसेस हैं, ठीक है, उसके हमने पार्ट को लिया, थोड़ी सी हमने एयर को लिया, फिर हमने उसे सबसे पहले कास्टिक सोडा से पास आउट कराते हैं, ठीक है. कास्टिक सोडा के बाद में फिर हम जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से पास आउट कराते हैं, ठीक है. अभी हम ये क्यों कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड जो है आपको मैंने आपको बताया अभी, कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है, क्या होता है बच्चों, कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और कास्टिक सोडा, इससे हम पास आउट इसलिए कराते हैं क्योंकि एयर के अंदर जो वाटर वेपर वगैरह होती है वो उसे रिमूव हो जाती है और वो हमारी कन्वर्ट हो जाती है एयर में. किसमें आ जाती है बच्चों, एयर में, ठीक है. अब एयर को हम यहाँ पर कंप्रेस करते हैं, प्रेशर इंक्रीज करके. कैसे कंप्रेस कैसे करेंगे बच्चों, प्रेशर को हम इंक्रीज करते हैं इसमें, ठीक है, और कूल करते हैं. जो हमारा टेम्परेचर होता है टेम्परेचर को हम डिक्रीज करते हैं, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं. इसके बाद में जो हमारी एयर है वो लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो जाती है. सभी को समझ में आ रहा है बेटा, एयर को कंप्रेस किया जाता है प्रेशर को इंक्रीज करके, कूल किया जाता है टेम्परेचर को डिक्रीज करके, ठीक है. ये प्रोसेस करने के बाद हमारी जो एयर है वो लिक्विड एयर में कन्वर्ट हो जाती है. जो लिक्विड एयर में जो हमारी कन्वर्ट हुई उसको हम जो है अलाउ टू वार्म अप स्लोली, उसको धीरे धीरे हम गर्म करते हैं इन द फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, ठीक है. तो हम यहाँ पर फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन जो मेथड है उसको यूज करते हैं और उसे हम धीरे धीरे वार्म अप कर रहे हैं स्लोली, ठीक है. जब हम इसे वार्म अप कर लेते हैं तो हमें जो है गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स, और हमें जो है डिफरेंट हाइट्स पर हमें डिफरेंट गैसेस देखने को मिलती हैं. जैसे बच्चों फर्स्ट में आपको दिखा रखा है मैं नाइट्रोजन जो आपको मिलती है वो 196 डिग्री सेल्सियस पे देखने को मिलती है. आर्गन जो है आपको 186 डिग्री सेल्सियस पे देखने को मिलती है, एंड ऑक्सीजन आपको 183 डिग्री सेल्सियस पे देखने को मिलती है, ठीक है बच्चों. तो ये आपकी डिफरेंट हाइट्स पर हमें डिफरेंट टाइप ऑफ द गैसेस हमें मिल जाती है, ठीक है बच्चों. तो इस मेथड में आपको सबसे पहले एक ही बात ध्यान रखनी है, ठीक है. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, फर्स्टली एयर इज पास्ड थ्रू द कास्टिक सोडा एंड द कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, एंड देन इट इज कन्वर्टेड इनटू द एयर. व्हाई वी पास थ्रू द कास्टिक सोडा एंड सल्फ्यूरिक एसिड,
कंसेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड हम इसे पास आउट क्यों करते हैं बच्चों, क्योंकि इसमें से हम जो है वाटर वेपर को सेपरेट आउट कर देते हैं पहले, ठीक है। ठीक है, फिर उसके बाद में जो है जो एयर हमारे पास में है उसको लिक्विड एयर में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं बच्चों, उसे हम कंप्रेस करते हैं और कूल करते हैं। कंप्रेस कैसे करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, और कूल कैसे करेंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे। ठीक है, प्रेशर को इंक्रीज करने से कंप्रेस हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज करने से कूल हो जाएगा, और ये हमारी एयर कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड एयर में। फिर लिक्विड एयर को हम फ्रिक्शन डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर धीरे धीरे उसे वार्म अप करते हैं। ऐसे वार्म अप करने से जो हमारी जो गैसेस हैं वो हमें डिफरेंट डिफरेंट हाइट पर हमें गैसेस मिल जाती हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑर्गन और ऑक्सीजन। तो सभी बच्चे नोट करिए, तो सभी बच्चे देख सकते हैं जो नाइट्रोजन है वो हमें कितने टेम्परेचर पर मिली है, 193 या 196 डिग्री सेल्सियस पर। आर्गन हमें देखने को मिली है 186 डिग्री सेल्सियस पर, एंड ऑक्सीजन हमें मिली बॉइलिंग पॉइंट कितना बच्चों कितना दिया है 183 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों ये जो ग्राफ आपके सामने मैंने बनाया है, फ्लो चार्ट मैंने आपके सामने बनाया है, ये बच्चों 3 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सभी बच्चे इस ग्राफ को नोट कर लेंगे, और इसे जो है आप अगर अपने वर्ड्स में लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं, अदरवाइज इसे आप फ्लो चार्ट के थ्रू भी आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा क्वेश्चन यहां से मिडिल से भी आ सकता है कि हाउ द लिक्विड एयर इज फॉर्म्ड फ्रॉम द एयर, एयर से लिक्विड एयर आपकी कैसे कन्वर्ट होती है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर एयर इज कंप्रेस्ड एंड कूल्ड एंड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एयर। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर। सभी बच्चे नोट कर लीजिए इसे। देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है आपका वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम, वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम फॉर सिटी वाटर सप्लाई। तो बच्चों डायग्राम मैंने आपके सामने ही बना के दिखाया है, ध्यान रखेंगे सभी बच्चे डायग्राम से सीखेंगे कि सिटीज में जो पानी जाता है बच्चों वो कैसे प्यूरिफाई होता है, प्यूरिफिकेशन सिस्टम हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेथड या प्यूरिफिकेशन वाटर इज कैरिड आउट एज, तो ये जो प्रॉपर जो मेथड है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो वाटर है आपका, ठीक है, वो कहां से, रिवर से, रिवर और लेक से जो वाटर है वो किसमें आता है, पंप हाउस में आता है। किसमें आता है बच्चों, पंप हाउस में। यहाँ पर एक पंप लगा दी जाती है जिससे जो पानी को पंप करके हम पंप हाउस में लेकर आते हैं। ठीक है, जैसे कि आप समझ रहे हैं रिवर में जो है वो वाटर क्लीन तो होगा नहीं बच्चों, ठीक है, वहां पर काफी सारी इंप्यूरिटीज देखने को मिल सकती है। ठीक है, बहुत सारी इंप्यूरिटीज होती है। ठीक है, तो उन इंप्यूरिटीज को कैसे हम क्लीन कर रहे हैं बच्चों, देखें तो फर्स्ट हम कहां लेकर आए, पंप हाउस में ले आए। ठीक है, पंप हाउस, ठीक है बच्चों समझ में आ गया, पंप हाउस में कैसे लेकर आए, बाय इम्प्लांटिंग ए पंप इनटू द रिवर। ठीक है, वी सेंड द वाटर एट द पंप हाउस। ओके, नंबर सेकंड पॉइंट है आपका सेडिमेंटेशन टैंक। तो बच्चों सेडिमेंटेशन टैंक क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको डिकेंटेशन प्रोसेस बताई थी, या सेडिमेंटेशन एक ही बात है बच्चों, जो हैवी इंप्यूरिटीज होती हैं, जो वाटर के अंदर जो हैवी इंप्यूरिटीज हैं बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी फोर्स वो यहां पर क्या हो जाएंगी बच्चों, सेटल डाउन हो जाएंगी, वो सारी की सारी चीजें यहां सेटल डाउन हो जाएंगी बच्चों, जो हायर इंप्यूरिटीज होंगी, हैवी इंप्यूरिटीज होंगी। ठीक है, हैवी इंप्यूरिटीज वो सेटल डाउन हो जाएंगी और जो वाटर है वो आगे फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब सेडिमेंटेशन टैंक में जो हैवी इंप्यूरिटीज थी वो तो इसमें सेटल डाउन हो गई। ठीक है, अब जो इसके अंदर वाटर के अंदर गया है, अभी भी कुछ ना कुछ इंप्यूरिटीज होंगी बच्चों, जो लाइटर होंगी, लाइटर मतलब जो हल्के वेट की होंगी। ठीक है, वो नीचे सेटल डाउन नहीं होती हैं और वो किधर चली जाती हैं बच्चों, आगे हम नीचे थर्ड टैंक में भेज देते हैं। थर्ड टैंक हमने लिया है लोडिंग टैंक। तो बच्चों लोडिंग टैंक में क्या होता है, लोडिंग टैंक में आप देख रहे हैं, लोडिंग टैंक में जैसे ही सेडिमेंटेशन टैंक से जो वाटर आया, ठीक है, उसके अंदर लाइटर पार्टिकल्स की इंप्यूरिटीज है। तो लाइटर पार्टिकल्स की इंप्यूरिटीज में लोडिंग टैंक के अंदर हम क्या करते हैं, हम मिलाते हैं बच्चों एलम, मींस फिटिग्री। ठीक है, फिटिग्री हम क्यों मिलाते हैं लोडिंग टैंक में, जो हमारी जो एलम होती है यानी जो फिटिग्री होती है वो लाइटर पार्टिकल्स को गैदरिंग कर देती है, अपना कोगुलेट कर लेती है, कोगुलेट मतलब इकट्ठा कर लेती है। सारे पार्टिकल जब इकट्ठे होने लग जाते हैं, एक दूसरे से चिपकने स्टार्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ एलम के मिक्सचर से। ठीक है बच्चों, तो जब पार्टिकल सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो वो हैवी हो जाएंगे, और हैवी होते ही वो क्या हो जाएंगे बच्चों, वो सेटल डाउन होने शुरू हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, हाँ या ना? ठीक है, यानी लोडिंग टैंक के अंदर हमने जो है एलम को मिक्स किया, क्या किया हमने, ठीक है, वी मिक्स एलम, ठीक है, फॉर
फॉर मेकिंग लाइटर लाइटर इंप्यूरिटीज हैवी. ओके स्टूडेंट्स, फॉर मेकिंग लाइटर इंप्यूरिटीज हैवी. ठीक है, तो उसको हम इसको हैवी करने के लिए हम लोडिंग टैंक में मिला देते हैं, हैवी हो जाते हैं, वो सेटल डाउन हो जाते हैं. अब उसके बाद फिर जो वाटर है वो आपका फिर किसके अंदर आ गया बच्चों, फिल्ट्रेशन टैंक में. ठीक है, नंबर फोर आपका फिल्ट्रेशन टैंक. फिल्ट्रेशन टैंक, तो बच्चों फिल्ट्रेशन टैंक के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे कि वर्ड से आपको पता चल रहा है फिल्ट्रेशन, तो फिल्ट्रेशन के अंदर हम इसमें थ्री बेड्स बनाते हैं. ठीक है, तीन बेड्स बने होते हैं बच्चों. ठीक है, पहले में क्या होता है आपका सैंड होता है. ठीक है, सेकंड पे होता है कोर्स सैंड, यानी थोड़ी मोटी मिट्टी होती है. ठीक है, और जो थर्ड बेड होता है वो आपका उसमें होता है ग्रेवल्स, क्या होते हैं पत्थर. तो जो वाटर है वो पहले सैंड से पास आउट होगा, फिर कोर सैंड से पास आउट होगा, फिर ग्रेवल से पास आउट होगा. जो भी हमारी थोड़ी बहुत इंप्यूरिटीज लोडिंग टैंक में रह गई थी आगे, वो हमारी इन पार्टिकल्स के बीच में क्या है फंस जाती है, और वो आगे जो है क्लीन वाटर आगे भेज दिया जाता है. समझ में आ रहा है बेटा? हाँ है ना. जब सैंड और ग्रेवल से जो पानी इधर होके आता है तो बिल्कुल क्लीन हो जाता है. अब जो क्लीन वाटर जो है, अब हमारे पास हमने क्लीन वाटर को इस टैंक में हमने सेव कर लिया. ठीक है, इसमें सेव करने के बाद इस वाटर को हम कहां भेज रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखिए, क्लोरीनेशन प्लांट में. कहां भेज रहे हैं? क्लोरीनेशन प्लांट. तो नंबर फाइव में आपको दे रखा है बच्चों क्लोरीनेशन प्लांट, क्लोरीनेशन प्लांट. तो बच्चों क्लोरीनेशन प्लांट में क्या करते हैं, क्लोरीनेशन प्लांट में जो ये वाटर आपका यहां पर आया, इसमें हम प्लस क्लोरीन मिलाते हैं. क्या मिलाते हैं? क्लोरीन मिलाते हैं. क्यों मिलाते हैं? टू किल जर्म्स, टू किल जर्म्स. तो वाटर के अंदर हम क्लोरीनेशन करते हैं बच्चों, टू किल जर्म्स, जो भी बैक्टीरिया और जर्म्स हमारे इस वाटर के अंदर होते हैं वो क्लोरीनेशन प्लांट में क्लोरीन मिलाने पर वो मर जाते हैं. अब जो वाटर है हमारा वो क्लीन हो गया. अब इस वाटर को हमने कहां भेज दिया बच्चों? ओवरहेड टैंक में, जो हमारी सिटीज के अंदर इस तरह से पानी के प्लांट लगे होते हैं. ठीक है, वहां से जो क्लीन वाटर को हमने ओवरहेड टैंक में भेज दिया. उसके बाद भी जो वाटर सप्लाई है, तो बच्चों आप देख रहे हैं वाटर सप्लाई जो है वो सिटीज में भेज दी जाती है. ठीक है, तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, एक बार और रिपीट कर रहा हूं बेटा, कि रिवर से जो पानी है वो हम पंप किससे, बाय इम्प्लांटिंग ए पंप वी सेंड इनटू द पंप हाउस. हमने वाटर को पंप हाउस में भेज दिया. फिर उसके बाद में जो वाटर है सेडिमेंटेशन टैंक में भेजा जाता है. सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होता है, हैवी इंप्यूरिटीज सेटल डाउन हो जाती है, फिर पानी आगे जाता है, लेकिन लाइटर इंप्यूरिटीज आपकी पानी में अभी भी हैं. ठीक है बच्चों, तो लोडिंग टैंक के अंदर जो हमारे लाइटर पार्टिकल्स होते हैं, हम लोडिंग टैंक के अंदर हम मिलाते हैं बच्चों एलम. क्या मिलाते हैं? एलम, यानी फिटिग्री. तो फिटिग्री मिलाने से क्या होता है, जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो सारे इकट्ठे होने लग जाते हैं, और इकट्ठे होने पर वो हैवी हो जाते हैं, और जब वो हैवी हो जाते हैं तो बच्चों सेटल डाउन हो जाएंगे, और जब वो सेटल डाउन हो जाते हैं तो जो यहाँ का जो वाटर है, फिर जो इंप्यूरिटी तो सेटल डाउन हो गई, अब वाटर को आगे भेज दिया जाता है फिल्ट्रेशन टैंक में. ठीक है, यहाँ पर जहां तक हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे लोडिंग टैंक में भी काफी सारी इंप्यूरिटीज निकल जाती है, बट फिल्ट्रेशन टैंक में हम जो है इसमें थ्री बेड लेयर लेते हैं. नंबर फर्स्ट में आपका क्या होता है, सैंड, सेकंड पे होता है कोर सैंड, थर्ड पे होता है आपका ग्रेवल. तो दो तरह की मिट्टी, और फिर हम कुछ ग्रेवल कुछ पत्थर भी लेते हैं. तो इस तरीके से हम उन्हें बिछा देते हैं. पानी जब इनसे पास आउट होता है तो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स की जो भी हमारी इंप्यूरिटीज होगी वो इनके अंदर जो है इससे बाहर नहीं निकल पाती, यहाँ पर जो है कॉट हो जाती है, पकड़ ली जाती है इन सभी ग्रेवल्स के थ्रू. ठीक है बच्चों, अब ये पानी जो है वो आगे भेज दिया जाता है. ठीक है, कहाँ भेजा जा रहा है? क्लोरीनेशन प्लांट में. क्लोरीनेशन प्लांट में क्या होता है बच्चों, हम क्लोरीन मिलाते हैं किसमें, कह रहा वाटर में, जो भी हमने वाटर जो क्लीन किया है उस वाटर में हम क्लोरीन मिला रहे हैं, टू किल द जर्म्स, ताकि वो हमारे लिए फिट और फिट रहे पानी, हमारे हमें बीमारी वगैरह ना लगाए. तो अब जो है हमारा वाटर यहाँ पर क्या होता है, वाटर इज फिट फॉर ड्रिंकिंग. ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे ये देख रहे हैं इस वाले पॉइंट पर वाटर हमारा फिट है. इस पानी को कहाँ भेज दिया गया है? ओवरहेड टैंक में. ओवरहेड टैंक से वाटर की सप्लाई करी जाती है, ये सप्लाई जो है सिटीज को भेज दी जाती है. तो बच्चों ये तो था आपका प्यूरिफिकेशन सिस्टम फॉर सिटी, वाटर सप्लाई. तो बच्चों वाटर सप्लाई हम किस तरीके से शहरों में करते हैं, ठीक है, नदियों से ही पानी आ रहा है लेकिन उसके अंदर काफी सारी जो इंप्यूरिटीज है वो हमने स्टेप बाय स्टेप उसको क्लीन करते हैं. ठीक है, और फिर हम उसे सिटीज में भेजते हैं. ठीक है बच्चों, सभी बच्चे नोट कर लीजिए बेटा इसे.
नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका फिजिकल चेंज, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय फिजिकल चेंज? तो फिजिकल चेंज क्या होता है बच्चों? एक ऐसा चेंज, ठीक है, जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। एक ऐसा चेंज जिसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं बच्चों फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है? एक ऐसा चेंज जिसमें एक नया सब्सटेंस बनता है, जिसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। तो बच्चों फिजिकल चेंज के कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। एक मिनट आप जो है देखिए, मैंने आपको दिखाता हूं ये। देखिए बच्चों, ये हमारे पास में क्या है? पेपर। सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है बेटा, ये पेपर है ना, ठीक है। अब मैंने इस पेपर को क्या किया, मैंने यहां से ऐसे, ठीक है, फाड़ दिया मैंने, ठीक है। अब मैंने इसको जैसे मैंने टियर किया बच्चों, तो ये क्या है? ये कुछ और कन्वर्ट हो गया क्या? ये आपका पेपर ही है ना? हाँ या ना? ये आपका पेपर ही है, ठीक है, अभी भी पेपर है, ठीक है, अभी भी पेपर है। तो बच्चों ये क्या है? ये आपका जो है फिजिकल चेंज है। क्या है? फिजिकल चेंज है, ठीक है। ये आपका पेपर है, सभी को दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। तो बच्चों इसे हम बोलेंगे फिजिकल चेंज। लेकिन जब मैं इस पेपर को बिल्कुल बर्न कर दे, तो इसको हम जला दें, तो जब जला देंगे क्या ये पेपर रहेगा? नहीं, वो क्या बन जाएगा? ऐश, राख बन जाएगी, ठीक है बच्चों। तो आपको ये पता हो चलना चाहिए यहां से, फिजिकल चेंज के अंदर जो है हमारा कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, केवल उसमें फिजिकल अपीयरेंस में चेंज होता है। पहले ये पेपर बड़ा था, अभी ये पेपर छोटा हो गया है, ठीक है। लेकिन हमारे केमिकल चेंज में क्या होता है? नया सब्सटेंस बनता है। चलिए बच्चों देखते हैं इसे। ए प्रोसेस इन विच सब्सटेंस चेंज इट्स फिजिकल अपीयरेंस बट देयर इज नो चेंज इट्स बेसिक कंपोजिशन इज कॉल्ड एज फिजिकल चेंज। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस। तो बच्चों मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है? हमने पानी को लिया, उसको हमने पहले जो है आइस में कन्वर्ट कर लिया, फिर आइस को फिर हमने मेल्ट कर लिया। तो आप देख रहे हैं कंपोजिशन तो वाटर की है ना भाई, वो रहा तो वाटर ही, ऐसा तो है नहीं कुछ और बन गया हो, ठीक है। बस सॉल्व, इसकी फॉर्म कन्वर्ट हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है, सॉलिड सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, फ्रीजिंग किया, मेल्टिंग किया, फ्रीजिंग किया, मेल्टिंग किया, बट रहेगा तो वाटर ही। तो बच्चों ये होता है आपका फिजिकल चेंज। सेकंड आपको दे रखा है इवोपरेशन एंड बॉइलिंग ऑफ वाटर, ठीक है। अभी आपने वाटर को बॉइल किया, वो किसमें कन्वर्ट हो गया? वाटर वेपर में, लेकिन है तो वाटर ही बच्चों, उसको कंडेंस करके दोबारा वाटर बना सकते हैं। नेक्स्ट आपको देख रहा है मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन। मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन मींस क्या है? आपने कोई भी आयरन का ऑब्जेक्ट लिया, मैग्नेट से चिपकाया, फिर हटा दिया, फिर उसे अट्रैक्ट किया, फिर हटा दिया, फिर उसे अट्रैक्ट किया। तो इसमें क्या हो रहा है? कुछ नया हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है बच्चों। इसके बेसिक कंपोजिशन उसका वो का वही है, बस फिजिकल अपीयरेंस आपका चेंज हो रहा है, ठीक है। केमिकल चेंज क्या होता है बच्चों? केमिकल चेंज क्या है? ए प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, ए प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड हुज प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन आर डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस कॉल्ड केमिकल चेंज। जैसे कि बच्चों आपको दिखाया बर्निंग ऑफ पेपर। तो पेपर क्या है? तो सब बर्निंग ऑफ पेपर क्या है बच्चों? आपने सबसे पहले लिया पेपर, ये पेपर ले लिया, इसकी ओरिजिनल स्टेट है। अब मैं अगर इसको बर्न कर देता हूं, जो इसकी नई स्टेट होगी, क्या वो दोबारा से इस पेपर में कन्वर्ट हो सकती है? नहीं हो सकती है बच्चों। तो ये क्या है? चेंज होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों एग्जांपल। आप रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे लोहे पे जंग लगना, ठीक है। अब लोहे पे क्या है? जैसे कोई भी लोहे का ऑब्जेक्ट है, उसे आप मॉइस्चर में आप खुला छोड़ दीजिए, ठीक है। काफी दिनों तक रखा रहेगा तो हवा के कॉन्टेक्ट से, पानी के कॉन्टेक्ट से, तो बच्चों क्या होगा? वो उसमें जंग लग जाएगी। क्या वो जंग दोबारा से उस पर हम पेस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जंग जो है धीरे धीरे उस ऑब्जेक्ट को क्या कर देगी? वो डिकम्पोज कर देगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो बच्चों यहां पर क्या हुआ? न्यू सब्सटेंस आपका बन गया, दैट इज कॉल्ड एज रस्ट, रस्टिंग, ठीक है। अब आता है आपका डिके ऑफ प्लांट। डिके ऑफ प्लांट में आप बच्चों ये देखते हो, डेली वेज में भी आप देखते हो, जैसे प्लांट्स की जो पत्तियां जो है टूट कर नीचे गिर जाती है, क्या वो दोबारा से पेड़ पे लग सकती है? नहीं लग सकती ना। तो दिस इज नोन एज केमिकल चेंज। क्या है बच्चों? राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। राइपनिंग है फलों का पकना, ठीक है। अभी कोई कच्चा फल है, ठीक है, रॉ फ्रूट कन्वर्टेड इनटू राइप फ्रूट, ठीक है। अब जो कच्चा फल था वो पक गया, क्या दोबारा से वो कच्चा हो सकता है? नहीं बच्चों। आगे आता है चेंज ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, ठीक है। अभी दूध को हमने किसमें कन्वर्ट हो गया बच्चों? दही में कन्वर्ट हो गया। क्या दही से वो दोबारा दूध बन सकता है? नहीं बन सकता है। लेकिन और क्या नाम है, जो मिल्क है, ठीक है, जिसे जो मिल्क है, मिल्क से हम जो काम कर रहे थे वो काम क्या कर्ड से हो सकता है? नहीं हो सकता। हम टी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मिल्क ही चाहिए, ठीक है। हम देखते हैं मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट होने के बाद जो कंपोजिशन है वो बिल्कुल कंप्लीटली चेंज हो चुका है, समझ में आ रहा है बेटा? ऐसे हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे हैं, ठीक है। अभी आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी दे रखे हैं, ठीक है, फाइंड आउट द केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। तो बच्चों बस आपको सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं, सारे के सारे पॉइंट पढ़ने हैं,
और उन पॉइंट में ये देखना है कि उसकी जो ओरिजिनल स्टेट है क्या उसमें कुछ नया हो रहा है। अभी देखिए केमिकल चेंज में क्या होता है बच्चों, केमिकल चेंज में आपका जो है केमिकल चेंज कहां पर होगा, दोज रिएक्शंस इन विच केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है बच्चों, आप यहां से देख सकते हैं। देखिए मैं आपको एक केमिकल रिएक्शन में आपको दिखाता हूं, जैसे मैंने लिया हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कन्वर्टेड इनटू, ये आपका बन गया वाटर। ठीक है बच्चों, तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं, ये हाइड्रोजन गैस है, ये आपका क्या है O2, ठीक है, ये ऑक्सीजन गैस है। तो बच्चों ये जो चीजें हैं इन्हें बोलते हैं बच्चों रिएक्टेंट्स, और ये बच्चों आपका होता है वाटर। ठीक है बच्चों, ये वाटर है, इसे हम बोलेंगे यहां पर प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप यहां से देखें ध्यान से बेटा, आपके पास क्या थे गैसेस को जब हमने आपस में रिएक्ट कराया, रिएक्शन कराई, केमिकल रिएक्शन कराई, वो किसमें कन्वर्ट हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो बच्चों ये गैसेस थी, गैसेस से ही किसमें कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। किसमें कन्वर्ट हो गया बच्चों, लिक्विड में, यानी जो हमारा नया सब्सटेंस बना, ठीक है, वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट है फ्रॉम द रिएक्टेंट से। समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, इस तरह के देखिए काफी सारे चेंजेस आपकी बुक में दिए गए हैं। ठीक है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस क्या है, ये अपने आप करेंगे कॉपी में। ठीक है बच्चों, और ये क्या है एक्सरसाइज, अब आते हैं एक्सरसाइज में। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन मैंने बिल्कुल सभी इस टॉपिक्स में मैंने ले लिए हैं। ठीक है, सभी बच्चे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करिए। ठीक है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज फाइंड करने के लिए क्वेश्चन दिया गया होगा, उसे भी आपको फाइंड करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर का पूरा कंटेंट आपने कॉपी में नोट कर लिया होगा उम्मीद करता हूं बच्चों। जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो बच्चे प्रीवियस वीडियो भी देख लें, क्योंकि ज्यादा लंबे टाइम तक ये वीडियो नहीं रहेंगी। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान रखें, ये सारा कंटेंट आप अपनी कॉपी में नोट करके आप उसे रिवाइज करें, फिर आप अपनी एनसीईआरटी के जो मिडिल क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करें, जो एनसीईआरटी के एंड एक्सरसाइज है वहां के क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, आज की क्लास में ये आपका चैप्टर सेकेंड केमिस्ट्री का बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो आपका केमिस्ट्री के दो चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, चैप्टर वन और चैप्टर टू। तो चैप्टर टू का आपका ये लास्ट क्लास थी बच्चों। ठीक है, तो सभी बच्चे इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे इसे नोट करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।